मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ लॉन्ग स्कर्ट के साथ आप किस तरीके के टॉप पेयर कर सकते हैं इजिली ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा लॉन्ग स्कर्ट समर्स में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है और अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं आप चाहें तो उसमें भी इस लुक को ट्राई कर सकते हैं जैसे कि राखी आ रहा है और भी जो अपने लाइट ओकेजन होते हैं सो हेयर आई एम शेयरिंग नाइन टाइप्स ऑफ टॉप टू पेयर विद योर लॉन्ग स्कर्ट्स सो गाइज फर्स्ट इज आप पैपलम टॉप जो होते हैं उनके साथ आप अपनी लॉन्ग स्कर्ट्स को पेयर कर सकते हैं और इसमें पेपलम टॉप आपका नेट वाले भी हो सकते हैं वोवन भी हो सकते हैं ट्रेडिशनल आपको देखना है तो आप वोवन वाले यूज कर सकते हैं सो फर्स्ट इज पेपलम टॉप सेकेंड इज आप शॉर्ट कुर्ती जो आपकी होती है ना उनको आप लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं स्कर्ट प्रिंटेड है तो प्लेन ले सकते हैं कुर्ती और अगर टॉप प्रिंटेड है तो स्कर्ट आप प्लेन ले सकते हैं आप चाहें तो इसमें फॉर्मल लुक क्रिएट करने के लिए आप एम्ब्रॉयडरी भी करा सकते हैं शॉर्ट कुर्ती में या फिर लेसेस से भी एनहेंस कर सकते हैं थर्ड इज यू कैन पेयर योर लॉन्ग स्कर्ट्स विद टी शर्ट्स और टैंक टॉप्स ये लुक आपका कैजुअली कहीं मार्केट जाने के लिए कॉलेज कैजुअली कहीं भी आप एनी वेयर एनी टाइम इस लुक को वेयर कर सकते हैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मुझे यही लगता है और काफी ज्यादा वेयरबल भी है सो ऑल यू हैव टू डू इज पेयर योर टी शर्ट्स और टैंक्स विद कर्ट्स स्कर्ट प्रिंटेड है तो कोशिश करिएगा आपकी आ, टी शर्ट पे बहुत लाउड सा प्रिंट ना हो लाउड से स्लोगन नहीं हो उससे स्टाइलिश yeah. लगता है इस लुक को आप फॉर्मली कैजुअली कैसे भी वेयर कर सकते हैं अगर आप राखी या किसी फॉर्मल ओकेजन पे पहनना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं सिल्वर ज्वेलरी के साथ चोकर्स भी शर्ट्स के साथ बहुत अच्छे से जेल होते हैं सो यू शुड ट्राई दिस लुक ऑन फेस्टिवल्स इवन ऑन कैजुअल ओकेजन नेक्स्ट इज आप लॉन्ग स्कर्ट्स को पेयर कर सकते हैं टॉप्स या ब्लाउजेस ब्लाउजेस का मतलब यहाँ पे वेस्टर्न वेयर का मैं बात कर रही हूँ इंडियन वेयर वाले ब्लाउजेस की बात नहीं कर रही हूँ सो so, आप ब्लाउजेज या टॉप्स के साथ आप पेयर कर सकते हैं जो ओवन टॉप्स होते हैं सिक्स इज आप अपनी लॉन्ग स्कर्ट्स को पेयर कर सकते हो क्रॉप टॉप के साथ क्रॉप टॉप का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो इस तरीके के क्रॉप टॉप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है अपना मेड्रिफ एरिया एक्सपोज करने के लिए एंड इफ यू फाइन देन आप शॉर्ट लेंथ वाले भी क्रॉप टॉप वेयर कर सकते हैं सेवेंथ इज आप एथनिक लुक क्रिएट करने के लिए यू कैन पेयर योर लॉन्ग स्कर्ट्स विद ब्लाउजेज और चोली ऑल्सो मेरे को वेस्ट बैंक यहाँ पे काफी अच्छा लगा यू कैन ट्राई दिस इफ यू वॉन्ट आप निट वाले भी ब्लाउजेज या बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट जो क्रॉप टॉप होते हैं जो ब्लाउज का लुक देते हैं इस तरीके का लुक भी आप कैजली भी क्रिएट कर सकते हैं इफ यू डेयर टू वेयर सच क्रॉप टॉप और ब्लाउजेज एथ आप लॉन्ग स्कर्ट्स को स्ट्रेट फिट कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं पार्टी वेयर लुक के लिए आप एम्ब्रॉयडरी की कुर्ती ले सकते हो या कैजुअली वेयर करने के लिए आप प्रिंटेड या सॉलिड कुर्ती पेयर कर सकते हो अपनी स्कर्ट के साथ एंड लास्ट यानी कि नाइन्थ वे इज आप अपनी लॉन्ग स्कर्ट्स को फ्लेयर्ड कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हो दिस आल्सो लुक्स इक्वली गुड आप चाहें तो इसमें ऑल मैचिंग आउटफिट भी बनवा सकते हैं काफी ज्यादा ट्रेंड में है इस तरीके के आउटफिट्स आजकल सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यहाँ से आपको अच्छे से आइडियाज मिल जाएंगे अपनी लॉन्ग स्कर्ट्स को पेयर करने के लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना आई विल सी ऑल टूम इन अनदर वीडियो देन स्टे स्टाइलिश बाय I take care.